अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं आलिया नईम, आज मैं आपको आर्मोल की जो है ना वो फ्रंट की कटिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करें। ये देखें, ये मैंने आर्मोल काट लिया हुआ पहले का ही। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। ये जितना मेरा कंधा है, 7.5 मैंने कंधा काटा हुआ है और आर्मोल मेरे ख्याल में 7 इंच का आर्मोल है। ये मैंने जैसे आम कटिंग करते हैं ना आर्मोल की, मैंने वैसे काट दिया है। अब जो इसका फ्रंट का होता है ना हिस्सा, अक्सर लोगों को नहीं समझ आती कि हम कैसे काटें। ये देखें, यहाँ से आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है। ये सीधी लाइन ड्रा हो गई। जब हम इस तरह इसको डिब्बा बनाते हैं ना, ये वाला, ये देखें, इसको ऐसे ही डिब्बा बना के हम यूं इसको गोलाई दे देते हैं 1 इंच का रख के। अब ये वाला डिब्बा है ना, अब इसको मैं 1 इंच की जो है ना इधर से फासला रख के लाइन लगा दूंगी यहाँ से यहाँ तक। ये ठीक है, और इधर भी मैं जो है ना गुलाई दे दूंगी। हमने कैंची इधर तक लेके आनी होती है जहाँ हमारी चेस्ट का निशान होता है, ये चेस्ट का निशान है। अब क्या करूँगी मैं, इसको गुद्दी का निशान बोलते हैं, 1/2 इंच का तकरीबन लगता है ये। ये देखें, ये मैं पहले इसको कट कर दूंगी, गुद्दी के निशान को मैंने कट कर दिया। अब जो बैक साइड है ना वो मैं थोड़ी पीछे कर दूंगी, हटा दूंगी, और जो ये फ्रंट का हिस्सा है इसको मैं कट करूंगी। चेस्ट के निशान तक जो है ना ये जाएगा। ये देखें, उम्मीद है कि आपको वाजिया जो है ना वो समझ आ गई होगी। इसी तरह आप भी अपने कमीज़ों का जो है ना वो फ्रंट का हिस्सा काटें, और इसकी शेप जो है ना बहुत अच्छी आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब अपनी कमीज़ काटेंगी तो इसी तरह शेप जो है ना वो काटेंगी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बैठेगी, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।